बात है जी, इतना खूबसूरत मंज़र आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलें जी देखें, पारा चनार शहीद आरिफ अल हुसैनी का रोज़े की ज़्यारत की है, कब्र की। और ये पहाड़, और ये मेरे पीछे जो है अफ़गानिस्तान के पहाड़ हैं, और ये जबल के जो दिख रहे हैं। कहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, कहाँ से निकला था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मैं सफ़र, लंबे सफ़र में निकला हूँ पाकिस्तान के, और खूबसूरत तरीन इलाका पाकिस्तान का। और ये हंगू से गुज़रते हुए हम आगे जा रहे हैं पारा चनार की तरफ। और जब इन पहाड़ों, उन जबलों को देखता हूँ तो ज़बान पे सिर्फ यही लफ्ज़ होता है कि अल्लाहुम्मा अज्जिल लि वलिय कल फरज, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतनी खूबसूरती है ज़मीन पर कि कैमरा की आँख को भी ये ताकत नहीं कि इसको समेट सके। तो बड़ा खूबसूरत मंज़र है। कभी ज़िंदगी में आपको अल्लाह मौका दे तो ज़रूर पारा चनार ज़रूर जाए। बड़ा खूबसूरत मंज़र है, जो इंसान आँख से देख सकता है तो वो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। तो बहुत ही प्यारा सफ़र है मेरा, इंशाल्लाह दुआ करें सफ़र खैर से हो। और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। खूबसूरत इलाका है, अल्लाह अकबर। ये पानी की नहर देखें, मीठे पानी की। Thank you.
صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے پارا چنار سے پہلے سدا بازار کرم شہر کے وہ کراس کر کے جب آئے تو یہ علاقہ شیعان حیدر کرار کے ہیں. راستے میں ماں برگا بھی دیکھی, عالم پاک بھی دیکھے. بڑا دل کو سکون ملا جب ایسے پہاڑوں کے درمیان میں مولا غازی عباس علمدار کا پرچم دیکھنے کو ملتا ہے. یہ مومنین کا علاقہ ہے. انجوائے کریں گے دیکھ کے, اور آپ کا بھی دل کرے گا کہ یہ سفر کریں.
जबल पे इतनी खूबसूरत चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। स्नोफॉल हो रही है और बर्फ, ये जबल के ऊपर बर्फ है ना, सारी बर्फ है। हाँ, से पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है वही पारा चनार में, क्या बात है। इस वक्त नहीं पा रहा है।